आज पूरे भारतवर्ष व काशीवासियों के लिए बहुत बड़ा खुशी का दिन था, क्योंकि काशी विश्वनाथ मंदिर ज्ञानव्यापी मस्जिद केस में कोर्ट ने आज अहम फैसला सुना दिया है। अदालत ने पुरातात्विक सर्वेक्षण का फैसला सुनाया है। ज्ञानव्यापी मस्जिद परिसर का पुरातात्विक सर्वेक्षण होगा, जिसका खर्च सरकार को उठाने का आदेश दिया गया है। वहीं महाराष्ट्र में आज सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार और अनिल देशमुख की अर्जी खारिज कर दी है और कहा है कि अनिल देशमुख के खिलाफ सीबीआई जांच जारी रहेगी। इधर बंगाल में मुस्लिमों से वोट की अपील पर ममता बनर्जी को चुनाव आयोग का नोटिस, 48 घंटे में मांगा जवाब। साथ ही ममता बनर्जी ने जिस जया बच्चन को जनता को रिझाने के लिए बुलाया था, उसी ने आज भरे बाजार में टीएमसी का सारा खेल बिगाड़ दिया। दरअसल पश्चिम बंगाल के हावड़ा में तृणमूल कांग्रेस के लिए प्रचार करने गई जया बच्चन का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में जया बच्चन का एक टीएमसी समर्थक जो सेल्फी खींच रहा था, उसको मारते हुए दिख रही है। तो दूसरी तरफ गांधी परिवार के चहेते एवं उत्तर प्रदेश के माफिया डॉन मुख्तार अंसारी की एक तस्वीर सामने आई है, जिसमें वह बिना व्हील चेयर के चलता हुआ दिखाई दे रहा है। इस तस्वीर में मुख्तार पूरी तरह से फिट नजर आ रहा है। यह तस्वीर उस समय की है जब मुख्तार को पंजाब की रोपड़ जेल से यूपी की बांदा जेल शिफ्ट किया जा रहा था। रास्ते में पुलिसकर्मी कानपुर देहात के सट्टी थाने में कुछ देर के लिए रुके थे, तभी एम्बुलेंस से उतरने के दौरान यह फोटो ली गई थी। उत्तर प्रदेश की बांदा जेल में पहुंचते ही मुख्तार अंसारी की सारी बीमारियां ठीक हो गई है। उत्तर प्रदेश सरकार ने मुख्तार का शुगर, स्लिप डिस्क और हार्ट संबंधी बीमारियों का परीक्षण किया, जिसमें वह पूरी तरह से फिट पाया गया है। पंजाब की मेडिकल रिपोर्ट में मुख्तार को जिन बीमारियों से ग्रसित बताया गया था, वे यूपी आते ही एकाएक ठीक हो गई है। पंजाब मेडिकल बोर्ड ने मुख्तार की मेडिकल रिपोर्ट में उसे 9 से अधिक गंभीर बीमारियों से ग्रसित बताया था। पंजाब मेडिकल बोर्ड ने अक्टूबर 2020 में सुप्रीम कोर्ट में जो मेडिकल रिपोर्ट दाखिल की थी, उस रिपोर्ट में मुख्तार को कई गंभीर बीमारियां होने की बात कही गई थी। रिपोर्ट में यह भी कहा गया था कि मुख्तार को स्लिप डिस्क, डायबिटीज और डिप्रेशन सहित कई गंभीर बीमारियां हैं, जिसमें यह कहा था कि मुख्तार को 3 महीने के बेड रेस्ट में रखा जाना आवश्यक है। वहीं यूपी की बांदा जेल में जब मुख्तार का परीक्षण किया गया, तब उस रिपोर्ट में मुख्तार को किसी भी गंभीर बीमारी से ग्रसित नहीं बताया गया है। रोपड़ जेल के अधिकारी अब इस मुद्दे पर कुछ भी कहने से बच रहे हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आपकी क्या राय है इन खबरों पर कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसी ही संक्षिप्त खबरों के लिए अपना इंडिया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।